सब्सक्राइब कीजिए डेली ट्रेंडिंग न्यूज चैनल को और बेल आइकन को दबाइए लेटेस्ट न्यूज सबसे पहले पाने के लिए। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी की कथित हत्या के साजिश के बाद सत्ता पक्ष और विपक्ष सामने आ गए हैं। वित्त मंत्री अरुण जेटली ने विपक्ष दलों पर अप्रत्यक्ष वार करते हुए कहा कि एनडीए विरोधी अभियान में माओवादी ताकतों का इस्तेमाल न सिर्फ सरकार के खिलाफ है बल्कि ये संविधान के भी विरुद्ध है। जेटली ने अपने फेसबुक पोस्ट में कहा, दुर्भाग्यपूर्ण है कि कुछ राजनीतिक दल एनडीए विरोधी अभियान में माओवादियों को अपने औजार के रूप में देखते हैं। आतंकवाद और उग्रवाद का इतिहास हमें ये सीख देता है कि बाघ की सवारी कभी मत करो, अन्यथा उसका पहला शिकार आप ही बनोगे। उन्होंने कहा, ये खतरनाक प्रवृत्ति है जिसे सभी राजनीतिक दलों को समझना चाहिए और उस पर अपनी प्रतिक्रिया देनी चाहिए। वही कांग्रेस ने कहा है कि बीजेपी का दुमुहापन फिर से बेनकाब हो गया है। कांग्रेस के मुख्य प्रवक्ता रणदीप सुरजेवाला ने ट्वीट कर कहा, बीजेपी का दोहरा रवैया और दोमुहापन फिर से बेनकाब हुआ है। केंद्रीय मंत्री अठावले कहते हैं कि दलित कार्यकर्ताओं की गिरफ्तारी अन्याय है और अलगार परिषद का हिंसा से कोई संबंध नहीं है। उन्होंने कहा, महाराष्ट्र सरकार गिरफ्तार लोगों को माओवादी सदस्य बता रही है। प्रश्न ये है कि झूठ कौन बोल रहा है, आखिर मामला है क्या? महाराष्ट्र के मुख्यमंत्री देवेंद्र फडणवीस और राज्य की पुलिस ने दो दिन पहले गिरफ्तार किए गए एक व्यक्ति के पास से कथित रूप से जब्त किए गए एक पत्र का हवाला देते हुए कहा है कि नक्सली पूर्व प्रधानमंत्री राजीव गांधी की हत्या की तर्ज पर प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी की हत्या करने की योजना बनाई जा रही है। पूर्व प्रधानमंत्री राजीव गांधी की 21 मई 1991 को तमिलनाडु के श्री पेरुम्बटूर में एक सार्वजनिक कार्यक्रम में महिला आत्मघाती हमलावर ने हत्या कर दी। अगर आपको हमारी ये स्टोरी पसंद आई तो इसे लाइक करें और अपने व्यूज हमें कमेंट करके जरूर बताएं। डेली ट्रेंडिंग न्यूज की रिपोर्ट, सब्सक्राइब करें हमारा चैनल ऐसे ही लेटेस्ट और इंटरेस्टिंग न्यूज के लिए।